हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। अगर आप अपनी ऑयली स्किन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आपकी स्किन ड्राई हो गई है, रफ हो गई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं जो आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो आपकी स्किन के ऑयल को तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ड्राइनेस, रफनेस एंड पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी दूर करने में हेल्प करेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही असरदार और घरेलू है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको नींबू का इस्तेमाल करना है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो स्किन को ब्लीच करने में हेल्प करता है। यह झाइयों को भी ख़त्म करने में असरदार होता है और चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने में तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो आपको आधा नींबू का रस लेना है। लगभग 1 से 2 चम्मच आप नींबू का रस ले लीजिए। नींबू में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, एंटीबैक्टीरियल भी होता है, एंड इसमें लैक्टिक एसिड भी पाया जाता है जो स्किन के पिगमेंटेशन को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीऑक्सीडेंट तत्व होती हैं जो त्वचा को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करते हैं, पिंपल मुहासों को दूर करने में हेल्पफुल होते हैं और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब आपको 1 टेबल स्पून हनी लेना है। यहाँ पर मैं डाबर का हनी ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे ले सकती हैं। हनी भी दाग धब्बों को दूर करने में हेल्पफुल होता है, फेस पर आने वाले ऑयल को कंट्रोल करता है और शाइन भी प्रोवाइड करता है। तो हनी के बाद आपको लास्ट इंग्रेडिएंट्स गुलाब जल लेना है। चेहरे पर अगर झाइयों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो तो गुलाब जल सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। गुलाब जल एक एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी फंगल तथा जलन से स्किन को प्रोटेक्ट करने वाला लिक्विड होता है। यह आपके स्किन के पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है और साथ ही साथ जो आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है उन्हें भी लॉक करने में हेल्पफुल होता है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, और ये लिक्विड हमारा तैयार है फेस पर अप्लाई करने के लिए। तो चलिए इसे फेस पर अप्लाई करते हैं। इसे यूज़ करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका चेहरा साफ़ सुथरा होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। तो मैंने अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब कॉटन बॉल की हेल्प से आप इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए। आप मेरा चेहरा देख सकते हैं अभी कितना ज़्यादा डल लग रहा है, ड्राई सा लग रहा है। तो ये आपके स्किन के ड्राइनेस को भी दूर करने में हेल्पफुल होगा, हेल्प करेगा, और साथ ही साथ अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई है, दाग धब्बों की समस्या है, तो ये उसे भी धीरे धीरे कम करने में हेल्प करेगा। तो जैसे मैं पूरे चेहरे पर इसे अप्लाई कर रही हूँ वैसे आपको कर लेना है। आप इसे अपने नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं और आप चाहें तो आप अपने हैंड्स पे भी और लेग्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। अब आपको इसे 15 मिनट तक ऐसे ही चेहरे पर लगे रहने देना है। 15 मिनट के बाद नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश मैंने कर लिया है। आप चेहरे को देख सकते हैं, पहले मेरा चेहरा कितना ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, अब चेहरे पर शाइन आ गई है, रिज़ल्ट आपके सामने है। तो आप ये प्रोसेस डेली करिए, 21 डेज आपको डेली इसे फेस पर अप्लाई करना है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा फ्रेंड्स, फैमिली और चाहने वालों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है आप उसे डेली फॉलो करिए। 21 डेज आपके चेहरे की झाइयाँ चली जाएंगी, दाग धब्बे चले जाएंगे और चेहरा ग्लोइंग बन जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस रेमेडी को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।